कटनी में कलेक्ट्रेट से चंद कदम पहले मॉडल रोड पर स्थित दुगाड़ी नदी जो अब नाले के रूप में है उस पर बन रहे पुल का धीमी गति से हो रहे निर्माण से जनता परेशान है। पुल निर्माण की समय सीमा दो बार बढ़ाए जाने के बाद भी निर्माण एजेंसी काम वक्त पर पूरा नहीं कर सकी है जिसकी वजह से जनता को खासी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पुल निर्माण के चलते स्थायी सड़क का निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जाना था जो कि अभी तक उक्त ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया जिस वजह से स्थानीय जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कच्ची सड़क होने के कारण धूल और गड्ढों से जनता बेहाल है जिसको लेकर कांग्रेस और आप पार्टी ने धरना प्रदर्शन भी किया लेकिन प्रशासन की अभी तक नींद नहीं टूटी है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या शिवराज सरकार इस मुद्दे पर कार्रवाई करती है या उनके अधिकारी इस प्रकरण पर भी दीपापूर्ति कर अमली जामा पहनाकर सरकार को संतुष्ट करने का काम करेंगे। जो हमारे साथ जो हमारी जनभावनाओं को आपने कुचला है जो हमारा विश्वासघात किया है ये बहुत ही गलत है जिसमें अधिवक्ता साथियों द्वारा और ये तय किया गया हमारी आम आदमी पार्टी द्वारा तय किया गया कि लोगों के जन सहयोग से और इस दुगाड़ी नाला परिवर्तन मार्ग को बनाया जाएगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्व कटनी की मंत्री विधायिका और मंत्री उन्होंने 25,000 का भीख दिया इस जन रोड के लिए 11,000 रुपये एडवोकेट संतु परोह ने दिया भीख की शुरुआत हुई और आज हम लोग सड़कों में लोगों से 1-1 रुपये 2-2 रुपये जिसकी जो गुंजाइश है क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति का आना जाना है आज हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और चंदा इकट्ठा करके और कोर्ट में जमा करके काम लगाएंगे। अभी जो काम लगा हुआ है इसमें भी जन सहयोग से ही काम चालू हुआ है। हम लोगों ने यह विचार किया कि इसको हम सब लोग मिलकर जन भागीदारी से इस सड़क को बनाएंगे और सबसे पहला योगदान डॉक्टर शिखर जैन ने 25,000 के रूप में दिया है और जन भागीदारी में जितना कलेक्शन जो रोड में जितना भी लगेगा वह मेरी अपनी विष्णु वाजपेयी जी की और हम सब लोगों की वकीलों की जिम्मेदारी रहेगी कि हम लोग पैसा लगाकर इस सड़क को इस लायक तो बना ही देंगे कि हम लोग आराम से हम क्या पूरी जनता आराम से यहाँ से निकल। मध्य प्रदेश कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट।